नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज बात हम स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि की कर लेते हैं। सुप्रीम अदालत ने एक जबरदस्त फटकार के साथ भ्रामक विज्ञापन वाले दवाइयों के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। और ये फटकार कई सुनवाई के बाद पड़ी है, क्योंकि पहले कहा गया कि आप उस तरीके के काम नहीं करें और आप पे कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद भी पतंजलि ये विज्ञापन कर रहे हैं। और आखिरकार एक समय आया जब कोर्ट ने कहा कि ये विज्ञापन आप हटाएं, ऐसे विज्ञापन आप मत प्रचारित करें, नहीं तो आप पर जुर्माना लगेगा। और इस तरीके के किसी भी प्रोडक्ट्स पे ऐसे विज्ञापन करने पर हर विज्ञापन पर 1 करोड़ का जुर्माना है। आखिर क्या है पूरा मामला और अदालत को सख्त क्यों होना? दरअसल अगर आप पिछले कुछ समय से लगातार देखें तो स्वामी रामदेव अपनी कंपनी पतंजलि एक तरीके से आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच की लड़ाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। आयुर्वेद एक ऐसी विद्या है या एक ऐसी विधा है जिससे हमारे देश में हजारों सालों से इलाज होता आया है। जिन गंभीर बीमारियों की इलाज में जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था वो दौर अलग था, वो बीमारियां अलग थी, और उस तरीके की चीजों का इस्तेमाल होकर उन बीमारियों को ठीक किया जाता रहा। लेकिन अब ये संभव नहीं है कि आप कैंसर का इलाज, संभव नहीं है कि आप एड्स का इलाज या इस तरीके की किसी गंभीर बीमारी का इलाज किसी जड़ी बूटी से तुरंत ठीक कर दे। हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद या बीमारियों के इलाज के बाद उनकी कमियों को या उनको हील करने में ये जड़ी बूटियां सहायक साबित हो और जल्दी ही उनको रिकवर करने में ये एक सार्थक विधा के तौर पर इस्तेमाल। लेकिन ये कहना कि इन सारी बीमारियों के इलाज में आयुर्वेद की ये जड़ी बूटी सबसे ज्यादा सार्थक है और एलोपैथ बिल्कुल सार्थक नहीं है, ये एक तरीके से भ्रामक है। और खास तौर पर जब आप डायबिटीज, एड्स या इस तरीके की तमाम अस्थमा, इन तरीके की बीमारियों के लिए सिर्फ जड़ी बूटियों पर आधारित दवाओं का विज्ञापन करते हैं तो आप लोगों को भ्रमित करते हैं। भ्रम में डालना एक अलग कहानी थी, लेकिन स्वामी रामदेव की कंपनी ने इस भ्रम में डालने के साथ साथ क्या किया, लोगों को इस आयुर्वेद और एलोपैथ के इलाज में उलझा कर रख दिया। अदालत की शक्ति इसी बात पर है। अदालत ये कह रही है कि आप इस तरीके के काम बंद करें। और लगातार कई बार सुनवाई हुई, एक सुनवाई अभी और मार्च के महीने में होनी है जिस पर और फैसले आएंगे, फिलहाल रोक लगा दो गए हैं। अब परिस्थिति ये है और इस बात को लेकर मैं आज इसलिए आपके सामने आया हूं कि आप समझिए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि लोग आयुर्वेद की तरफ या स्वामी रामदेव की इन बातों की तरफ या इन दवाइयों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। और आयुर्वेद पर लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है और एलोपैथ को लोग गलत मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अगर स्वामी रामदेव की ये दवाइयां बिक रही हैं या स्वामी रामदेव की इन विधा पर लोगों का भरोसा हो रहा है, उसकी वजह क्या होगी? क्या वाकई इन बीमारियों का इलाज इनकी दवाओं से हो रहा है या एलोपैथ में भारत में इस तरीके की दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा है या फिर बहुत महंगा हो गया है? दरअसल अगर आप पूरे मामले को गौर से देखें तो अस्पताल भारत में जो प्राइवेट अस्पताल हैं, खास तौर पर अगर हम पूरे चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो जो भी एक प्राइवेटाइजेशन हुआ चिकित्सा व्यवस्था का हिंदुस्तान में, उसने आम मध्यम वर्ग, गरीबों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आम मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी। और ऐसे किस्से हम लगातार देखते हैं कि अस्पतालों में गलत इलाज होना, गलत बीमारियों की बात करना, हर बात पर हजारों लाखों रुपए की जांच करा लेना, और खास तौर पर अगर उसको मालूम हो कि आपके पास मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसका पूरा शोषण कर दिया जाना एक तकनीक के तौर पर हिंदुस्तान में इस्तेमाल होगा। कानूनी बहुत अड़चने हैं, कानूनी पेचीदगियां हैं और सरकार की बहुत सारी कमियां हैं। उस पर मैं किसी और विस्तार से बात करूंगा कि आखिर क्यों एक ही कंपनी को अस्पताल का लाइसेंस और उसी कंपनी को हेल्थ इंश्योरेंस का भी लाइसेंस मिलता है, जहां कंट्राडिक्शंस हैं और वो गलत तरीके से उन पैसों को का दोहन करते हैं।
फिलहाल हम इस बात पर केंद्रित होते हैं कि आखिर ये पूरी विधा इस तरीके से बदनाम क्यों हो रही है। वो इसलिए हो रही है और लोगों का भरोसा स्वामी रामदेव के उन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर इसलिए हुआ कि वो नुकसान करती नहीं। लोगों के मन में ये एक धारणा है कि आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो उसका साइड इफेक्ट नहीं है, और साइड इफेक्ट नहीं है तो चलो हम उसका इस्तेमाल करें। लेकिन वहां भी होते हैं साइड इफेक्ट्स, वहां भी होते हैं, वहां भी गलत या ज्यादा इस्तेमाल से बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। खास तौर पर कोविड के दिनों देखा गया कि जो कोरोनिल और स्वाशारी एक दो दवाइयां स्वामी रामदेव ने लॉन्च की, उसको लेकर जिस तरीके से प्रचार हुआ और जिस तरीके से कहा गया कि इन दवाइयों से कोरोना ठीक हो जाएगा, वो एक तरीके से भ्रामक था। हालांकि कोरोना और उसके इलाज को लेकर के बहुत सारे अलग अलग दावे हैं और भ्रम की स्थिति आज भी बनी हुई है। फिर भी मेरा ये मानना है और आपको सबसे कहना है कि दवाइयों के इस्तेमाल में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, और अगर स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत छानबीन के बाद ये फटकार लगाई। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस तरीके के विज्ञापन आप मत करिए, तो किसी भी अदालत के फैसले को ठेंगे पे रखना ये एक तरीके से एरोगेंस दिखाता है जो स्वामी रामदेव और उनकी पूरी टीम का सामने है। अदालत के फैसले के बाद भी अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपे, उन्हीं विज्ञापनों के आधार पर जिन लोगों ने मामले को अदालत पहुंचाया था उन्होंने अदालत के सामने रखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। सबसे बड़ा सवाल कि स्वामी रामदेव की दवाइयों में क्या सच है क्या गलत है, ये जांच का विषय है। स्वामी रामदेव की दवाइयां कितनी भ्रामक है, ये जांच का विषय है। लेकिन स्वामी रामदेव ने जो सबसे बड़ा गुनाह किया है वो ये कि आयुर्वेद और एलोपैथ की लड़ाई बना दी और उस लड़ाई में अपना व्यापार बढ़ा दिया। इसको जरा गौर से समझिएगा, फिर बात करेंगे। नमस्कार।